स्कूली बच्चों के लिए अब तक की सबसे बड़ी अपडेट। सभी स्कूलों में गर्मियों की जो छुट्टियां हैं, ग्रीष्म अवकाश है, वो घोषित हो चुका है। और ये अवकाश इस बार आपके कितने दिन का रहने वाला है, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको संपूर्ण जो अपडेट है वो बताने वाला हूं। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है कि जो ग्रीष्मकालीन अवकाश है वो आपके घोषित हो चुका है। और वीडियो को आपको पूरा देखना है। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए, ताकि इस प्रकार की कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो जैसा कि प्यारे बच्चों आप यहां पर देख सकते हैं, और ये अब तक की सबसे बड़ी अपडेट है स्कूली विद्यार्थियों के लिए। तो 17 मई से ग्रीष्म अवकाश घोषित। तो जैसा कि प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं कि 17 मई से आपकी जो गर्मियों की जो छुट्टियां हैं वो घोषित होने वाली हैं, यानी 17 मई से आपकी जो छुट्टियां हैं वो इस बार रहने वाली हैं। 17 मई से आपको स्कूल में नहीं जाना है। और यहां पर कंप्लीट जो अपडेट है वो यहां पर आप पढ़ सकते हैं कि स्कूलों में ग्रीष्मावकाश 17 मई से शुरू होंगे और तथा 16 मई शिक्षण सत्र 2022-23 का अंतिम कार्य दिवस होगा। यानी 16 मई तक आपको विद्यालय में जाना है, 16 मई के बाद में आपको विद्यालय में नहीं जाना है, क्योंकि 17 मई से आपकी जो छुट्टियां हैं वो पड़ने वाली हैं। और ये छुट्टियां आपके कितने दिन तक होने वाली हैं, तो यहां पर कंप्लीट जो अपडेट है वो आप देख सकते हैं कि आपके जो विद्यालय हैं, जो स्कूल है, वो 1 जुलाई से खुलेंगे। और सभी स्कूलों की मैं यहां पर बात कर रहा हूं, सभी स्कूलों की जो छुट्टियां हैं वो यहां पर घोषित हुई हैं। तो 1 जुलाई को आपको विद्यालय में जाना है, यानी 17 मई और 1 जुलाई के बीच जितने भी आपके दिवस हैं उन सभी दिवस की जो छुट्टियां हैं वो आपके रहने वाली है। और यहां पर पूरी जो अपडेट है वो देख सकते हैं कि जिले के प्रारंभिक जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय ने अपने अधीनस्थ सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों के संस्था प्रधानों के निर्देशानुसार परीक्षा परिणाम जारी करने के निर्देश दिए हैं। यानी सभी प्राइवेट और सभी जो आपके सरकारी विद्यालय हैं उनकी जो छुट्टियां हैं वो 17 मई से होने वाली हैं। ये एक बड़ी अपडेट है। अगर आपको ये अपडेट अच्छी लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए, ताकि इस प्रकार की कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो।